हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश फ्रॉम एसएसटेक। सो अगेन मैं आज आपके सामने एक स्टॉक मार्केट के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसके अगेंस्ट आपको एनुअली या फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर रिवॉर्ड्स मिलता है, या फिर आने वाले टाइम में मिल सकता है, तो आज हम इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट एक्शन। तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम लोगों ने कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में सुना होगा। एंड व्हाट इज कॉर्पोरेट एक्शन, ये वर्ड क्या होता है एग्जैक्टली, वो बहुत लोग कम लोगों को ही इसके बारे में अवेयरनेस होगी, राइट। बट हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में दो वर्ड्स तो जरूर सुने होंगे, लाइक डिविडेंड या फिर बोनस, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं, इन डिविडेंड या इन बोनस हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ फंड्स कंपनी से या फिर कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में क्रेडिट होते हैं, राइट। तो ये डिविडेंड एंड बोनस एक कॉर्पोरेट एक्शन के ही टाइप होते हैं। सो ये डिविडेंड एंड बोनस सिर्फ दो ही टाइप नहीं है, देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। ओके, सो आज हम सारे टाइप्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड एंड बोनस एंड वो कंपनी से कैसे दिए जाते हैं एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो टाइप्स बताने के पहले हमें ये जानना जरूरी है एग्जैक्टली व्हाट इज कॉर्पोरेट एक्शन। ओके, सो कॉर्पोरेट, जैसा कि हम जानते हैं, कॉर्पोरेट इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी। ओके, तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करती है, जिसको हम आईपीओ के नाम से जानते हैं, तो जब भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने रख देती है, तो वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, वो पब्लिक बन जाती है। ओके, सो कभी भी पब्लिक कंपनी कोई भी एक्शन लेती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने होने वाले शेयर्स पे पड़ता है। ओके, एंड वो शेयर्स आपके पास है, तो यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट अ पर्टिकुलर कंपनी। तो जब भी कोई पब्लिक कंपनी कोई एक्शन लेती है अपने शेयर्स पे, उस एक्शन को बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, जिसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे पड़ता है इफ यू आर शेयर होल्डर। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो वट इज कॉर्पोरेट एक्शन, बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ रहा है। ओके, सो कॉर्पोरेट एक्शन के तीन कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन। ओके, सो वॉट इज मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन, सो इसके वर्ड से ही समझ में आता है जो मैंडेटरी है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पब्लिक कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमें क्या एक्शन लेना है हमारे शेयर्स के अगेंस्ट पे। बट वो जो भी एक्शन लेंगे वो मैंडेटरी होगा। सो इफ यू आर शेयर होल्डर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, इट्स मीन कि अगर आपके पास वो शेयर्स हैं एंड वो जो भी एक्शन परफॉर्म होने वाला है वो शेयर्स पे, वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। सो दिस इज नोन एज मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन। यू हैव नो अदर चॉइस, कोई चॉइस आपके पास नहीं रहता विदाउट एक्सेप्ट। ओके, द सेकेंड वन इज voluntary corporate action। Okay, so voluntary corporate action क्या होता है exactly? यहां पे तो आपके पास choice नहीं था, but voluntary corporate action में जो भी action लेने वाले हैं board of director, यहां पे आपके पास choices है exactly आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको accept करना है so you can accept, otherwise you can sell out your shares। Okay, now the third one is mandatory with choice corporate action। So सब लोग सोच रहे होंगे ये mandatory भी है with choice भी है, how it is possible? So ये mandatory तो है, it's mean कि जब जो भी decision लेंगे board of director कि हमें shares के against क्या करना है, वो mandatory आपको accept तो करना ही होगा। But यहाँ पे आपके पास दो choices हो जाते हैं कि आपको जो मिलने वाला profit है, okay, तो वो profit आपको as a cash नथिंग बट एज अ डिविडेंड लेना है या फिर एज अ शेयर्स लेना है। तो आपको ये दो चॉइसेस मिलते हैं जिसको बोलते हैं मैंडेटरी तो है, बट आपके पास दो चॉइसेस है, एज अ डिविडेंड ले लो वो प्रॉफिट को या फिर एज अ शेयर्स ले लो वो प्रॉफिट को। ओके, नाउ तो ये तो है तीन कैटेगरी, बट यहाँ पे वो जो एक्शन होने वाला है वो एक्शन होते कौन कौन से है। तो इन मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन जो फर्स्ट एक्शन होता है वो होता है कैश डिविडेंड। ओके, एंड द सेकेंड वन इज स्प्लिट, विच इज नोन एज स्टॉक स्प्लिट।
ओके द थर्ड वन इज बोनस, द फोर्थ वन इज मर्जर एंड एक्विजिशन, द फोर्थ वन इज स्पिन ऑफ, जिसको हम लोग स्पिन आउट के नाम से भी जानते हैं. ओके नाउ अभी हम लोग वन बाय वन इसके बारे में जानेंगे. फर्स्ट हम सारे टाइप्स जान लेते हैं. इनवॉलेंट्री देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज बायबैक ऑफर, सेकेंड वन इज राइट इशू. इन मैंडेटरी विथ चॉइसेस देयर इज ओनली वन टाइप विच इज नोन एज डिविडेंड और कैश, आई मीन और शेयर्स. ओके सो दीज आर द टाइप की वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी के वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं इन अ पर्टिकुलर कैटेगरीज. ओके तो मैंडेटरी में वो कैश डिविडेंड के बारे में ले सकते हैं, स्प्लिट, बोनस, मर्जर एंड स्पिन ऑफ. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन एग्जैक्टली होता क्या है. सो कैश डिविडेंड, ओके सो कैश डिविडेंड होता क्या है एग्जैक्टली कि लेट्स सपोज कोई एक पब्लिक कंपनी है जिसको पूरे साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है एंड वो अपने होने वाले प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिवाइड करना चाहती है. सो इट्स अ गुड थिंग राइट, ही वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉफिट. सो लेट्स सपोज किसी भी कंपनी ने, देयर इज अ कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओके उसको एक साल में 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. ओके दिस इज हिज प्रॉफिट. ओके तो वो क्या करना चाहते हैं कि मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो मैं इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ अपने शेयर होल्डर के साथ डिवाइड करूंगा. ओके इट्स अ गुड थिंग राइट, वो अपने 5 करोड़ को अपने शेयर होल्डर के साथ वो डिवाइड करना चाहता है जो उसको प्रॉफिट हुआ है. तो वो क्या करता है, तो सबसे पहले वो अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को निकालता है कि मैंने आईपीओ के टाइम या फिर मैंने कितने शेयर्स पब्लिकली ऑफर किए हुए हैं. तो लेट सपोज जब भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने जब भी अपना आईपीओ लिस्ट किया था तो उसने 1 करोड़ शेयर्स लिस्ट किए थे, जो 1 करोड़ शेयर्स उसके शेयर होल्डर्स के पास है, अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास है. ओके सो कंपनी क्या डिसाइड करती है, लेट सपोज मैं ये अपने 5 करोड़ के प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के साथ 5 रुपीज पर शेयर रखूंगा एज अ प्रॉफिट. ओके सो इट्स मीन कि 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में है अलग अलग इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के साथ. ओके तो अपने पर शेयर 5 रुपीज रख के वो 5 करोड़ होने वाले प्रॉफिट को डिवाइड कर देता है. सो अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं उसके पोर्टफोलियो में, इट्स मीन कि उसको 500 रुपीज का क्रेडिट होने वाला है अमाउंट. सो ये कैश डिविडेंड है, इट्स मीन कि वो डायरेक्टली उसको कैश दे रहा है 500 उसके अकाउंट में उसके शेयर्स के अगेंस्ट पे. अगर उसके पास 100 है तो 100 × 5 सो ही विल रिसीव 500 रुपीज इन हिज अकाउंट. ओके सो दिस इज नोन एज कैश डिविडेंड. अभी ये तो था रुपीज के टर्म में, कंपनी परसेंटेज के टर्म में भी अपने प्रॉफिट को शेयर्स कर सकती है. ओके वो कैसे, लेट सपोज कंपनी बोलती है कि मैं 50% अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिवाइड करूंगा. सो 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ फेस वैल्यू. ओके तो जब भी आईपीओ निकला था उस टाइम पे उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, नथिंग बट उसका एक्चुअल वैल्यू. सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट, जिसपे हमारा सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, बट फेस वैल्यू इज नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पब्लिक कंपनी. ओके ना, सो फेस वैल्यू उस समय उसका लेट सपोज 10 रुपीज था, करेक्ट. सो 50% ऑफ 10 रुपीज नथिंग बट 5 रुपीज. सो अगर कोई कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे 50% ऑफ द फेस वैल्यू हमें प्रॉफिट देना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो 50% के टर्म में उसका फेस वैल्यू का 5 रुपीज, सो
₹5 पर शेयर, तो वो ऐसे भी डिसाइड हो सकता है. ओके, सो नथिंग बट यहाँ पे जो भी प्राइस डिसाइड होगा आपके होने वाले शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में है, मल्टीप्लाई दैट रुपीज, यू विल बी क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट कैश डिविडेंड जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, तो ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है. ओके, नाउ द सेकेंड वन स्प्लिट. सो स्टॉक स्प्लिट के वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि जो शेयर्स है वो स्प्लिट होने वाले हैं, मतलब वो स्प्लिट होके डिवाइड होके बढ़ने वाले हैं या तो फिर कम होने वाले हैं. ओके, सो स्टॉक स्प्लिट में होता क्या है, लेट्स सपोज कंपनी ने 1 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग थे उसके ड्यूरिंग द आईपीओ, राइट. अभी वो क्या चाहती है कि मैं 1 करोड़ शेयर्स को स्प्लिट करके 2 करोड़ शेयर्स में बदल दूं. ओके, सो 1 करोड़ शेयर्स का क्या हो जाएगा, 2 करोड़ शेयर्स हो जाएगा, बट उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा. सो लेट सपोज मेरा जो फेस वैल्यू था ऑफ द कंपनी इज ₹10. ओके, तो वो क्या करती है, फेस वैल्यू को हाफ कर देती है, ₹5. ओके, एंड उसका जो मार्केट वैल्यू था, मार्केट प्राइस सपोज ₹100 था, तो वो प्राइस भी जस्ट हाफ होके 50 हो जाएगा. ओके, तो ये थी उसकी इनिशियल कंडीशन जब उसने आईपीओ लिस्ट किया था, बट सर्टेन टाइम जब वो कॉर्पोरेट एक्शन डिसाइड करती है एंड उसको स्प्लिट के टर्म पे डिसाइड करती है कि मुझे स्प्लिट करना है स्टॉक को. ओके, तो वो क्या डिसाइड कर सकती है, मुझे अपने शेयर्स को डबल करना है मार्केट में, जो भी मैंने 1 CR किया है उसको मैं स्प्लिट करके 2 CR कर दूंगा. बट वो एक्स्ट्रा दे नहीं रही है शेयर्स अपनी कंपनी से, उसको जस्ट स्प्लिट कर रही है बट उसका प्राइस भी कम कर रही है. इट्स मीन कि वो अपने मार्केट वैल्यू को चेंज नहीं कर रही है. यहाँ पे उसका जो मार्केट वैल्यू था 1 CR एट ₹10 एंड मार्केट प्राइस वॉज 100. ओके, तो यहाँ पे अगर उसका मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है टोटल, तो इस कंडीशन में भी उसका मार्केट वैल्यू 100 करोड़ ही है, बिकॉज 2 करोड़ शेयर विथ ₹50, राइट. तो मार्केट वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, तो कंपनी ये कर सकती है. बट अगर मार्केट वैल्यू मेरी सेम है तो इसका करने का फायदा क्या है, राइट. इसमें जो शेयर होल्डर है उनका भी कुछ इंपैक्ट नहीं हो रहा है, उनका पोर्टफोलियो विथ सेम अमाउंट पड़ा हुआ है बिकॉज मार्केट वैल्यू आर सेम, कंपनी की भी मार्केट वैल्यू सेम है, तो वो करती क्यों है एग्जैक्टली. तो होता क्या है, लेट सपोज मार्केट का प्राइस उस कंपनी का 100 है. ओके, तो लेट सपोज कंपनी देखती है कि मेरे जो शेयर्स हैं ₹100 एंड प्राइस है, तो बहुत कम लोग उसको खरीद रहे हैं. ओके, इट्स मीन कि किसी किसी को ये प्राइस बहुत ज्यादा लगता है, तो उसको प्राइस कम करने के लिए वो अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है. तो जैसे ही उसने स्प्लिट किया द प्राइस बिकम ₹50, तो जो ₹100 में नहीं ले रहे थे वो अब ₹50 में वो शेयर्स को लेने लगेंगे, अब उनको वो प्राइस चीप लगने लगेगा. ओके, सो दिस इज द फंडा ऑफ द कंपनी व्हाई दे डू स्प्लिट. इसका एक रिवर्स स्प्लिट भी होता है, इसका एक टाइप जिसमें ये रिवर्स हो जाता है. अगर 2 करोड़ शेयर्स कंपनी ने आईपीओ के टाइम लिस्ट किए थे तो उसको डिवाइड करके वो 1 करोड़ कर देती है, एंड उसका जो फेस वैल्यू है दैट विल बी कन्वर्ट टू डबल, एंड उसका जो मार्केट वैल्यू है दैट विल बी कन्वर्ट टू डबल. इट्स मीन कि अगर किसी को लगता है कि मेरे शेयर्स बहुत ज्यादा मार्केट में फैल गए हैं एंड उसका प्राइस बहुत कम है, तो वो क्या कर देती है, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन एंड उसकी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए वो उसकी प्राइस की वैल्यू बढ़ा देती है एंड उसके शेयर्स को कम कर देती है. बट इस कंडीशन में भी उसकी मार्केट वैल्यू रिमेन सेम. ओके, सो दिस इज द फंडा ऑफ द कंपनी जो वो स्प्लिट के कॉर्पोरेट एक्शन में कर सकती है. बट इसमें पोर्टफोलियो में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो का अमाउंट एंड होने वाला प्रॉफिट या लॉस उसी एवरेज के हिसाब से सेम रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट. नाउ द थर्ड वन इज बोनस. ओके, सो ये वर्ड से ही हमें समझ में आता है, राइट. वी आर हैप्पी विद दिस वर्ड बोनस. तो बोनस इज नथिंग बट हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलने वाला है, करेक्ट. तो वो एक्स्ट्रा मिलता क्या है, सो लेट सपोज हमारे पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी के ABC प्राइवेट लिमिटेड के 100 शेयर्स पड़े हुए हैं. ओके, सो नाउ अगर हमारे पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं एंड कंपनी क्या डिसाइड करती है
कि कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स प्रोवाइड करती है एज अ बोनस। ओके, तो कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन में डिवाइड किया कि मैं बोनस करूंगा, तो वो बोनस क्या मतलब, वो कुछ एक्स्ट्रा दे रही है। तो लाइक इन कैश डिविडेंड, कंपनी ने क्या दिया आपको, कैश दिया आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कुछ अमाउंट उसने क्रेडिट किए, राइट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको एज अ कैश डिविडेंड मिला। बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बोनस वो क्या करती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स क्रेडिट करती है। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो उसका एक रेशियो होगा कि लाइक 5 शेयर्स के अगेंस्ट वो एक शेयर प्रोवाइड करेगी, राइट, वैसा ही। तो 5 शेयर्स के अगेंस्ट वो आपको एक शेयर प्रोवाइड कर रही है, तो 100 शेयर्स के अगेंस्ट वो आपको एक्स्ट्रा 20 शेयर्स प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो आपके पास जो 100 शेयर्स थे दैट विल बिकम 120 शेयर्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन अप्लाइड। ओके, जब भी वो अप्लाइड होगा तो आपके शेयर्स 100 से 120 हो जाएंगे। इस समय आपका जो प्राइस है विल रिमेन सेम, बट आपका प्रॉफिट विल बी डबल, विल बी हायर देन दिस प्राइस, क्योंकि आपके शेयर्स बढ़ गया। तो आपको वो कैश ना दे करके आपको शेयर के टर्म्स में वो प्रॉफिट देती है। वो क्यों? बिकॉज अगर किसी कंपनी के पास वो लॉस में चल रही है, या फिर उस कंपनी के पास अपने शेयर होल्डर्स के साथ पैसा डिवाइड, अपना होने वाला प्रॉफिट डिवाइड जो करना है उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, बट उसी प्रॉफिट को वो एज अ टर्म्स ऑफ शेयर्स देती है, अपने कुछ और इंटरनल शेयर्स जो उसने पहले आईपीओ के टाइम नहीं रखे थे वो इस टाइम पे आपको दे सकती है एज अ प्रॉफिट आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, ये कंपनी ऐसा करती क्यों? ताकि आपका फेथ कंपनी पे बना रहे। ओके, कि कंपनी हमें कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड्स दे रही है उसके शेयर्स को खरीदने से, तो आप और उसके शेयर्स को खरीदेंगे एंड आपका फेथ उस कंपनी पे बना रहेगा। इस वजह से कैश डिविडेंड एंड बोनस कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस इज द रेशियो कि कंपनी हमें कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स अलोकेट करती है हमारे पोर्टफोलियो पे इन बोनस। सो दिस इज ऑल अबाउट बोनस। तो हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है पोर्टफोलियो पे वो बहुत ही अच्छा पड़ता है, क्योंकि हमारे शेयर सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज मर्जर एंड एक्विजिशन? सो मर्जर एंड एक्विजिशन हमारे वर्ड से ही समझ में आता है कि समथिंग इज गोइंग टू मर्ज। ओके, यहाँ पे मर्ज क्या होता है, लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड देयर इज अ सेकेंड कंपनी एक्स वाई जेड। ओके, सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है कि इस दूसरी कंपनी को एक्वायर भी कर सकती है, या फिर दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो सकती है। ओके, तो दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक न्यू कंपनी प्रोवाइड होती है जिसका नाम चेंज हो सकता है वो कंपनी का, तो एबीसी एक्सवाईजेड से समथिंग डिफरेंट नेम कैन बी डन, राइट, या फिर ये कंपनी इस कंपनी को फुल्ली एक्वायर ही कर लेगी। ओके, तो ये कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज होंगे, या फिर उसका सैलरी स्ट्रक्चर होगा, या फिर उसका जो भी होने वाला बिजनेस स्ट्रक्चर है वो एबीसी ही हैंडल करने वाली है इन कमिंग डेज, राइट। तो ये क्या हो गया, ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई या फिर इसने इसको एक्वायर कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मर्जर एंड एक्विजिशन। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अगर एक्सवाईजेड को एक्वायर कर रही है तो वो एक कॉर्पोरेट एक्शन निकालेगी इन मर्जर एंड एक्विजिशन के कैटेगरी में। तो इसमें होता क्या है, इसमें पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर आपने इसके शेयर्स लिए हुए हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के, तो ये कंपनी इसको एक्वायर कर रही है, मींस इसका बहुत सारा पैसा इसको एक्वायर करने में जा रहा है, तो हो सकता है कि इसका प्राइस ड्रॉप हो जाए थोड़ा, बिकॉज ये एक्वायर कर रही है, इसको ऑलरेडी उसका पैसा उसमें जा रहा है, राइट, ये इसके प्राइस में कम हो सकता है। या फिर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आपको ये एक्स वाई जेड का भी अगर आईपीओ है एंड उसके भी शेयर्स मार्केट में है, तो अगर आपके पास उसके शेयर्स नहीं है तो वो भी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकता है एक्स वाई जेड के। तो वो क्या होता है कि इसमें आपका प्राइस ड्रॉप भी हो सकता है एंड आपका प्राइस बढ़ भी सकता है। सो दिस इज डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी कि वो किस कंपनी को एक्वायर कर रही है एंड उसका कैपिटलाइजेशन कैसा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्जर एंड एक्वाइजेशन। नाउ वट इज स्पिन ऑफ एंड स्पिन आउट? सो स्पिन ऑफ एंड स्पिन आउट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट इन अ स्टॉक मार्केट, जहां पे पोर्टफोलियो पे जो इम्पैक्ट होता है वो खतरनाक भी होता है, सडनली ड्रॉप भी हो सकता है एंड सडनली बढ़ भी सकता है। तो होता क्या है कि सपोज ये कंपनी है एंड इसका कोई एक प्रोडक्ट है, ओके, ये कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट है ये कंपनी उस पर बहुत सालों से काम तो कर रही है, बट ये प्रोडक्ट उसका हाईलाइट नहीं हो रहा है मार्केट में, ओके, बिकॉज जो पब्लिक है वो सिर्फ ये कंपनी को जानती है, नॉट दिस प्रोडक्ट।
तो कंपनी क्या करती है, इस प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए या मार्केट में उतारने के लिए वो इस प्रोडक्ट से बेसिस पे वो एक दूसरी कंपनी क्रिएट कर देती है, ओके, जिसमें ये प्रोडक्ट पूरा हाईलाइट हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट के बेसिस पे एक दूसरी कंपनी क्रिएट हो जाती है जिसको ये कंपनी ही हैंडल करती है, ओके। सो पूरा उसका जो कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो ये कंपनी ही हैंडल करने वाली है, ओके। इसमें भी सेम होता है मर्जर एंड एक्विजिशन के अगेंस्ट कि अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, ओके, तो कंपनी क्या करती है, जब भी वो नई कंपनी क्रिएट करती है तो वो कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं वो आपको अलोकेट कर देती है कुछ ना कुछ एज अ प्रॉफिट के टर्म पे, बिकॉज आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो तो उसने ही अपनी ये पेरेंट कंपनी है एंड उसकी ये चाइल्ड कंपनी है, तो वो चाइल्ड कंपनी के शेयर्स भी आपको एज अ प्रॉफिट वो अलोकेट करती है एंड आप उसकी वैल्यू को भी बढ़ाते हो। बिकॉज इन कमिंग डेज अगर वो एज अ स्टार्टअप खड़ी हुई है तो इन कमिंग डेज उसकी वैल्यू बढ़ सकती है एंड उसकी टर्म पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो स्पिन ऑफ एंड स्पिन आउट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपके पोर्टफोलियो को सडनली हाई भी कर सकता है एंड सडनली लो भी कर सकता है, बिकॉज ये अपने पूरे पैसे को इसको खड़ा करने में डाल रही है। सो दिस इज कॉल्ड स्पिन ऑफ एंड स्पिन आउट, जहां पे एक थर्ड कंपनी क्रिएट होती है। नाउ वॉलेंट्री कॉर्पोरेट एक्शन, नाउ वॉलेंट्री कॉर्पोरेट एक्शन जहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंडेटरी नहीं होती है, ओके, तो कंपनी क्या करती है, जब भी कॉर्पोरेट एक्शन डिसाइड करती है कि मुझे बायबैक ऑफर निकालना है, ओके, सो व्हाट इज बायबैक ऑफर, इट्स मीन कि कंपनी क्या करेगी, जब भी बायबैक ऑफर निकालेगी इट्स मीन कि आपको प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ओके। सो देयर आर टू मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इन सेकेंडरी मार्केट हम लोग एक्सचेंज से ट्रेडिंग कम्युनिकेशन करते हैं एंड इन प्राइमरी मार्केट हम कंपनी टू इन्वेस्टर कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के पास जो भी शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, तो वो डायरेक्टली ये बायबैक ऑफर में डायरेक्टली कंपनी को सेल कर सकती है, ओके। इट्स मीन कि कंपनी उससे जो उसके शेयर्स है उसको बायबैक कर रही है एंड उसका जो प्राइस होता है वो मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा होता है। सो लेट्स सपोज मार्केट का प्राइस है 100 रुपीज, तो जो कंपनी बायबैक करने के लिए जो ऑफर निकालती है तो वो मोर देन 100, मतलब 110, 120, 150, व्हाटएवर द प्राइस ही डिसाइड, वो इससे तो ज्यादा ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ऑफर होता है कि आप कंपनी को डायरेक्टली हायर प्राइस पे वो शेयर्स सेल कर सकते हो, ओके। सो दिस इज नोन एज बायबैक ऑफर। नाउ व्हाट इज राइट इशू, सो राइट इशू में क्या होता है कि राइट इशू में भी ऑलवेज प्राइमरी मार्केट में ही ट्रेड किया जाता है। इट इज सेम लाइक आईपीओ बट नॉट फुली, बिकॉज आईपीओ में क्या होता है कि हर एक पब्लिक वो कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, बट राइट इशू में क्या होता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो कंपनी क्या करती है, अपने कुछ एक्स्ट्रा शेयर और न्यू शेयर्स मार्केट में अलोकेट करती है, आई मीन इशू करती है, तो वो शेयर्स पे आप बिड लगा सकते हो इफ यू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो मतलब आपको वो जो शेयर्स है चीप प्राइस में मिलते हैं, ओके। तो मार्केट में 100 है तो वो एक्स्ट्रा शेयर्स जो दे रही है कंपनी, न्यू शेयर्स जो दे रही है वो 90-80 रुपीज में भी वो आप ले सकते हो, क्योंकि वो कंपनी आपको एक एज अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने का प्रॉफिट दे रही है, ओके। तो इससे आपको होने आगे चल के प्रॉफिट हो सकता है बिकॉज उसका मार्केट वैल्यू ऑलरेडी हाई है, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइट इशू अगर आप उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो। नाउ व्हाट इज मैंडेटरी विथ चॉइसेस, तो ये मैंडेटरी तो है बट आपको दो चॉइसेस है, डिविडेंड या फिर शेयर्स। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट ही मिल रहा है बट डिविडेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें वो अपने अमाउंट में डायरेक्टली पैसा चाहिए उस शेयर्स के अगेंस्ट, या फिर कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट ये दो चीजों को मिला के बनता है कैश डिविडेंड एंड बोनस। तो जहां पे आपको दो चॉइसेस मिलती है, यहाँ पे आपके पास चॉइसेस नहीं थे कि यहाँ पे कोई एक ही चीज कंपनी देने वाली है तो फिर कैश डिविडेंड या फिर बोनस, बट यहाँ पे आपको दोनों में से कोई एक आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे बोनस चाहिए या फिर कैश डिविडेंड। सो इसका एक अलग कैटेगरी हो गया मैंडेटरी विथ चॉइस। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट एक्शन, सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी। बट इन केस ऑफ एफएनओ तो हम लोग जैसा जानते हैं कि डेरिवेटिव का जो अंडरलाइंग है वो इक्विटी ही है, तो जो भी इक्विटी में चेंजेस होने वाले हैं, जो भी प्राइसेस में चेंजेस होने वाले हैं,
प्राइस मेरा कम होने वाला है, फेस वैल्यू कम हो रहा है या फिर मार्केट वैल्यू कम हो रहा है, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग फ्यूचर का सेटलमेंट प्राइस कम हो सकता है या फिर बढ़ सकता है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी प्राइसेस होते हैं, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट प्राइस ही होता है, राइट। एंड इन केस ऑफ ऑप्शन, तो ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, बिकॉज ऑलवेज जब भी हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं स्ट्राइक प्राइसेस के बेसिस पे, तो उसका स्ट्राइक प्राइस के उसमें मूवमेंट होता है, नॉट इन प्राइस। ओके, तो ऑप्शन के कोई प्राइस में चेंज नहीं होता, बट स्ट्राइक प्राइसेस में चेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज उसका जो प्रीमियम है अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस एंड इक्विटी के प्राइस पे ही डिसाइड होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन, उन पे क्या इम्पैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट एक्शन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।